नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के पुराने प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो उसी कड़ी में जीव विज्ञान के जो प्रश्न हम लोग सॉल्व कर रहे थे बायोलॉजी के, आज उसका पार्ट थ्री है और इसमें हम लोग जो है जीव विज्ञान के बचे हुए सभी प्रश्नों को आज हम कवर करने जा रहे हैं। अगर आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे वीडियो लेक्चर क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। इसमें आपको जो है तीनों कैटेगरीज़ में जो है कोर्स मिलते हैं, यानी कंबाइंड कोर्स जिसमें प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कराई जाती है, केवल प्रीलिम्स और केवल मेंस, और सभी में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, पीडीएफ में नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, साथ में टेस्ट सीरीज दी जाती है और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से डिस्कशन और बाकी जो है सभी सपोर्ट और गाइडेंस आपको प्राप्त होता है। अधिक जानकारी के लिए 9506742546 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है संस्थान का, इस पर आप RO लिखकर भेज दीजिए और आपको सारी जानकारी आपके व्हाट्सएप पर ही दे दी जाएगी। शुरुआत करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? आप जानते हैं कि रिसेंट टाइम्स में बर्ड फ्लू भी एक जो है बड़ी बीमारी के रूप में उभरा है और ये चिंता का विषय बन के रहा है, क्योंकि ह्यूमन में भी जो है बर्ड फ्लू के केस रिपोर्ट हो चुके हैं। तो इनमें से बर्ड फ्लू का मुख्य कारक कौन सा है, यानी कौन सा ऐसा वायरस है जो बर्ड फ्लू का कॉजिटिव एजेंट है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा, H5N1। इसकी और भी बहुत सारी स्ट्रेन्स हैं। तो जो इन्फ्लुएंजा ए टाइप के वायरस होते हैं, ये दो प्रकार के प्रोटीन यानी HA प्रोटीन, जिसको हीमेटोग्लुटिनिन और NA यानी न्यूरामिनिसिटिडेज जो है दो प्रकार के सब टाइप्स में वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए एक वायरस जिसमें HA7 प्रोटीन और NA9 प्रोटीन पाया जाता है, उसे उप प्रकार H7N9 के रूप में जाना जाता है। अब ये कैसे आया है, H7 कैसे आया है? HA7 का H7 हो गया और NA9 से जो है N9, तो इस तरह से H7N9 जो है इसका जो है प्रकार हो गया। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के उप प्रकारों में ए टाइप जो होता है H5N1, H7N9, H9N2 शामिल हैं। HPAIA यानी जो है H5N1 वायरस मुख्य रूप से पक्षियों में होता है, बर्ड्स में होता है, और उनके बीच ये बहुत ज़्यादा संक्रामक होता है, तेज़ी से फैलता है, और ख़ासकर जो है एशियन जो H5N1 है ये मुर्गी पालन यानी पोल्ट्री उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर किसी एक भी जो है मुर्गी को ये हो जाता है तो बहुत तेज़ी से अन्य में फैलता है। तो एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रकोप से पोल्ट्री उद्योग को विशेष रूप से विनाशकारी परिणामों का सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आँख का रोग जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए, निकट दृष्टि दोष, दृष्टि वैमनस्य, ग्लूकोमा या मोतियाबंद। तो अपारदर्शी हो जाने की दशा में जो है कौन सा जो है कंडीशन में ये रोग होता है, इसको हम लोग मोतियाबिंद के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कैटरैक्ट कहते हैं। तो मोतियाबिंद अंधापन का एक प्रमुख कारण है। ये तब होता है जब क्रिस्टलीय प्रोटीन की संरचना जो हमारे आँखों में लेंस का निर्माण करती है खराब हो जाती है, जिससे क्षतिग्रस्त या अव्यवस्थित प्रोटीन संगठित होकर एक नीली या भूरी परत बना लेता है जो अंततः लेंस की पारदर्शिता को प्रभावित करता है। ये बहुत कॉमन है आज की डेट में, और ज़्यादा उम्र के जो लोग होते हैं खासकर जो है वृद्धावस्था में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसको ऑपरेशन के द्वारा आप जो है ठीक भी किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्लीपिंग सिकनेस या निद्रा रोग, ये बीमारी किसके कारण होती है? इसका जो है कॉजिटिव एजेंट आपको बताना है। तो विटामिन ए की कमी के कारण, या कैल्शियम की कमी के कारण, या ब्लड प्रेशर बढ़ने से, या ट्रिपैनोसोमा जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके कारण होती है। तो इसका सही उत्तर क्या है, स्लीपिंग सिकनेस जो है ट्रिपैनोसोमा के कारण होता है। ये क्या है, एक जो है प्रोटोजोआ होता है और ये मुख्य रूप से एक प्रजाति होती है ट्रिपैनोसोमा ब्रूसे, जो अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमिस या स्लीपिंग सिकनेस है, ये जो है इसके कारण ही होता है। मनुष्यों को संक्रमित कर सकने वाले परजीवी दो प्रकार के होते हैं, एक तो ट्रिपैनोसोमा ब्रूसे गैबियंस कहलाता है जिसको शॉर्ट में TBG कहते हैं, और दूसरा ट्रिपैनोसोमा ब्रूसे रोडियंस होता है जिसको हम TBR कहते हैं।
तो TBG यानी जो पहले टाइप का है, इसके मामले में 98% से अधिक कारण जो है यही होता है इस बीमारी का, यानी कि स्लीपिंग सिकनेस का। दोनों प्रकार आमतौर पर एक संक्रमित सीसी फ्लाई के काटने से फैलते हैं। यानी अगर आपसे इसका वाहक पूछ लिया जाए कि ये इसका इंटरमीडिएट या इसका वाहक क्या है, तो सीसी मक्खी या सीसी फ्लाई होता है, उसकी वजह से ये फैलता है। अगला प्रश्न है, एड्स का कारण है। बहुत ही आसान प्रश्न है और निश्चित रूप से आपको पता है एड्स किसके कारण होता है। हम सभी लोग जानते हैं एड्स एक बीमारी के कारण होता है। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये जो है एक बीमारी का नाम है, लेकिन जिस वायरस के कारण होता है उसको हम क्या कहते हैं, HIV कहते हैं, यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये करता क्या है, हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको ख़त्म कर देता है। यानी HIV क्या करता है, CD4T नामक जो कोशिकाएं होती हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनको ये नष्ट करके जो है हमारे शरीर में रिप्लिकेट करता है और सीधे एड्स को बढ़ाता है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा विषाणु जनित यानी वायरल डिजीज़ नहीं है। इनमें से एक जो है वायरल डिजीज़ नहीं है, खसरा जिसको हम लोग मीज़ल्स कहते हैं, रेबीज़ तो आप जानते ही हैं, पोलियो के बारे में भी निश्चित रूप से जानते होंगे, तो कौन सा इसमें से विषाणु जनित नहीं है, क्षय रोग या ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम लोग नॉर्मली TB बीमारी के नाम से जानते हैं, ये जो है विषाणु जनित नहीं होता है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण ये होता है। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है। लोहे का अर्थ यहाँ पर क्या है, आयरन एलिमेंट से बात हो रही है, तो लोहे की कमी से इनमें से कौन सी बीमारी होगी आपको बताना, रिकेट्स, एनीमिया, स्कर्वी या हेमरेज। तो इनमें से आयरन की कमी से होने वाला रोग है रक्त क्षीणता या एनीमिया, क्योंकि आयरन जो है हीमोग्लोबिन का एक इम्पॉर्टेंट जो है संगठक है, अगर आयरन की कमी है तो हीमोग्लोबिन प्रॉपरली हमारे शरीर में नहीं बन पाता है, तो एनीमिया हो जाता है। रिकेट्स आप जानते हैं जिसको सूखा रोग कहते हैं, तो इसके अलावा स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, हेमरेज का जो है कारण अलग होता है, तो इस तरह से इसका सही उत्तर हमारा जो है एनीमिया है। अगला प्रश्न, ये थोड़ा सा जो है टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। एक वर्णांध यानी कलर ब्लाइंड पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थी। उनके बच्चों की निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत वर्णांध होने की संभावना है। तो इसका उत्तर हम लोग जान लेते हैं क्योंकि इसकी व्याख्या आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तो कलर ब्लाइंडनेस आप जानते हैं एक हेरिडिटी डिजीज़ है जो एक्स क्रोमोसोम से संलग्न होकर जो है चलता है और उसी से जो है ये आगे पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होता है। तो इसमें जो है फिलहाल इस केस में 0% चांसेज होंगे। कैसे होंगे थोड़ा सा इसको समझिए, ये एक मेंडेलियन विकार है, यानी मेंडल ने जो सारणी दी थी उसके अनुसार जो है ये इसको हम लोग व्याख्या करते हैं। इसमें जो है लाल और हरे रंग में मुख्य रूप से पहचान नहीं कर पाता, बाकी और भी कलर्स होते हैं लेकिन जो सबसे प्रमुख कलर ब्लाइंडनेस होता है उसमें लाल और हरे रंग में आपस में डिफरेंस जो है व्यक्ति नहीं कर पाता है जो कलर ब्लाइंड होता है। इस रोग से संबंधित जीन एक्स गुणसूत्र में पाया जाता है एवं सामान्य दृष्टि वाले एलील के समक्ष यह रिसेसिव होता है। जब किसी सामान्य स्त्री की शादी जो नॉर्मल फीमेल होती है एक वर्णांध दृष्टि वाले पुरुष के साथ होती है, तो पहली पीढ़ी में सभी पुत्रियां जो है सामान्य दृष्टि वाली होती हैं लेकिन वो कैरियर होती हैं, भले ही बीमारी नहीं होती है लेकिन उनमें जो है उनका एलील इस तरह से लिखा जाएगा, तो वो कैरियर होती हैं, वो वाहक होती हैं, एवं सभी पुत्र जो है कैसे होंगे, सामान्य होंगे। ऐसा इसलिए होता है कि सभी पुत्रों को सामान्य दृष्टि वाली माता से एक्स प्रभावी जीन प्राप्त होता है। वहीं पर जब सामान्य किंतु वाहक स्त्री की शादी यानी जो है कि शादी वर्णांध पुरुष के साथ होती है, तो प्रथम पीढ़ी के सभी पुत्रों में 50% सामान्य दृष्टि वाले और 50% जो है कलर ब्लाइंड जो है बच्चे यानी मेल बच्चे होते हैं, और सभी पुत्रियां 50% जो है क्या होती हैं, कलर ब्लाइंड कैरियर होती हैं तथा 50% जो है उनमें से सामान्य होती हैं। ये जो है इसका एक पनेट स्क्वायर है जिसको आप समझ सकते हैं। तो XY ये XX है यानी ये फीमेल के जो है जीन
एलील हैं जीन्स के और ये एक्स वाई है। तो इस तरह से अगर जो है पेरेंट्स में एक वाहक होगा जो है, तो कैरियर फीमेल और कलर ब्लाइंड मेल जो है होगा। उसके बाद जो है इनके गैमीट्स का फिर सेग्रीगेशन होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैरियर फीमेल हो जाएगा 25%, कलर ब्लाइंड फीमेल 25%, नॉर्मल मेल 25% और कलर ब्लाइंड मेल 25% हो जाएगा। लेकिन अब प्रश्न ये है जो हमारे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें जो है पहली स्थिति के अनुसार जो उत्पन्न स्त्री का विवाह वर्णांध पुरुष होने पर कोई भी संतान वर्णांध नहीं होगी, दूसरी स्थिति अगर होगी तो उसके अनुसार उत्पन्न वाहक स्त्रियां जो कैरियर फीमेल्स होंगी उनका विवाह अगर वर्णांध पुरुष से होगा तो उन पे 50% संतानें वर्णांध होंगी। लेकिन क्वेश्चन में हमारे क्या दिया गया है, सामान्य स्त्री का विवाह अगर वर्णांध पुरुष से होता है तो कोई भी जो है संतान जो है वर्णांध नहीं होगी, इसीलिए हमने कहा कि ये चांसेस कितने परसेंट है, 0% है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस के द्वारा होता है। अब इसमें से वायरस से होने वाली डिजीज हमको बतानी है, डिप्थीरिया, मलेरिया, हैजा और हेपेटाइटिस, चारों में से सही उत्तर आपको चुनना है। तो इनमें से जो है वायरल डिजीज कौन सी है, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के बारे में आपने जरूर सुना होगा, एक वायरल संक्रमण है जो हमारे लीवर को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस के कई सारे टाइप होते हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी डी जो है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लीवर में सूजन को हेपेटाइटिस कहा जाता है। हेपेटाइटिस एक वायरस होता है जो अत्यधिक शराब के सेवन, विषाक्त पदार्थ, दवाएं और कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से शरीर में पनपने लगते हैं। लीवर आपके शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है जो पोषक तत्वों को प्रोसेस करने, खून को फिल्टर करने के साथ ही संक्रमण से लड़ता है। ऐसे में जब लीवर में सूजन या क्षति होती है तो यह कार्य प्रभावित होने लगता है और जो अनुपचारित हेपेटाइटिस होता है ये लीवर फेल्योर या लीवर कैंसर का कारण बन सकता है। हेपेटाइटिस को मुख्य रूप से दो समूहों में बांटा जाता है, एक तो संक्रामक वाली जो है जो एक से दूसरे में फैलती है, और एक होती है सीरम हेपेटाइटिस। संक्रामक हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस ए और ई शामिल होते हैं, वहीं जो है सीरम हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी शामिल होते हैं। तो दोनों प्रकार के हेपेटाइटिस शरीर के विभिन्न वायरस के संक्रमित पदार्थों जैसे कि पानी, जूस, भोजन आदि के सेवन के कारण होता है। हेपेटाइटिस ए और ई के लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार नहीं है, ये अपने आप सीमित होने वाली खराबी है, यानी ये धीरे धीरे जो है इसका उपचार जो है लक्षणों के आधार पर कर दिया जाता है और ठीक हो जाती है। वहीं पर जो हेपेटाइटिस बी होती है ये थोड़ा सा फैटल और ख़तरनाक होती है, पूरी तरह से ठीक नहीं होती है, इसलिए इसमें वायरस के प्रतिरूपण को नियंत्रित करने के लिए पूरे जीवन भर यानी आजीवन उपचार की जरूरत पड़ती है। और हेपेटाइटिस बी से बचाव के लिए हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगवाने की सलाह दी जाती है। हेपेटाइटिस सी पूरी तरह से ठीक होने वाला रोग है जिसको आप लोग कॉमनली पीलिया भी कहते हैं। अगर लीवर की क्रिया में अव्यवस्था का कोई प्रत्यक्ष कारण नहीं है तो हेपेटाइटिस सी की जांच करा लेनी चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चार कथन आपके सामने दिए हैं, तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये जो है आपको बताना है। रष्ट रोग गेहूं में पाया जाता है, तो गेहूं में रष्ट रोग पाया जाता है, निश्चित रूप से बिल्कुल ठीक है। अगैती झुलसा जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अर्ली ब्लाइट डिजीज, ये आलू में पाया जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद धान में जो है पाया जाने वाला, पैडी में पाया जाने वाला एक रोग है खैरा, ये भी ठीक है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। फॉल्स स्मट जो है ये जौ में पाया जाने वाला रोग नहीं है, ये किस में पाया जाता है, फॉल्स स्मट जो है धान में पाया जाता है। इस फसल में रोग का अधिक प्रभाव दिखाई देता है, ये एस्टिलागोनिडिया वायरस नामक जो है एक फंगस के कारण होता है। और धान की फसल में बाली निकलते समय जब वातावरण में अधिक आर्द्रता होती है, नमी होती है, शादी बादल भी छाए रहते हैं, तब फॉल्स स्मट रोग का जो है जो बीजाणु होता है वो बाली के दानों को प्रभावित करता है। अगर आप इस चित्र को ध्यान से देखें तो इसमें जो है इस रोग को जो है दिखाया गया है। इस रोग में बीजाणु मृदा में ही रहते हैं, जो इसके स्पोर्स होते हैं वो मिट्टी में दबे रहते हैं, और वो अगले बार भी जब उसमें यही खेती की जाएगी तो उसमें अगली फसल को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। इसलिए इसके लिए जो है सॉयल ट्रीटमेंट या जो है सॉयल ट्रीटमेंट और बीज शोधन दोनों ही जो है जरूरी होता है। अगला प्रश्न, मक्का में सफ़ेद कली या वाइट बर्ड
रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो मक्का में जो है कली सफेद हो जाती है, इसको व्हाइट वर्ड डिजीज कहते हैं। ये कमी किसके कारण होती है? जिंक की कमी के कारण ये रोग होता है। जिंक ऐसा है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है या माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट है, जिसकी पौधों को बहुत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। इस तत्व के कमी से पौधों की पत्तियां छोटी रह जाती हैं, पौधे ड्वार्फ हो जाते हैं, बौने रह जाते हैं, और मक्का में जो है सफ़ेद कली नामक रोग हो जाता है। इससे पौधों की पत्तियों का जो है जो सीड्स होता है वो कैसा हो जाता है? सफ़ेद हो जाता है और मॉल्टेड यानी चितकबरा हो जाता है और पीला पड़ जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, इबोला वायरस। इबोला वायरस भी आप जानते हैं अफ्रीकन ओरिजिन का है और बहुत ज़्यादा चर्चा में था इस तरफ जो है। तो इबोला वायरस का नाम कैसे पड़ा? एक शहर के नाम से, एक प्रांत के नाम से, एक नदी के नाम से या एक पर्वत के नाम से? तो इबोला वायरस जो है, इबोला नाम की एक नदी है, उसके कारण जो है इसका नाम इबोला पड़ा। इबोला वायरस रोग, जिसे पहले इबोला रक्तस्रावी बुखार के रूप में जाना जाता था, मनुष्यों में होने वाली गंभीर घातक बीमारी है। ये वायरस जंगली जानवरों से फैलता है और मानव आदि में मानव से मानव में संचरण करता है। इबोला वायरस की खोज सर्वप्रथम 1976 में इबोला नदी के पास स्थित गांव में हुई थी, जो कि अब जो है कांगो रिपब्लिक में है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में है। आगे बढ़ते हैं। साधारणतया ओरोबैंकी खरपतवार जो है कहाँ पाया जाता है? ये एक वीड होता है, खरपतवार जिसे हम कहते हैं, ये किस फसल में पाया जाता है? तो कई सारी फसलों में पाया जाता है, लेकिन आपको इस ऑप्शन में, इन ऑप्शंस में से चुनना है कि किस में पाया जाता है। तो इन ऑप्शंस को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें से तंबाकू की खेती में जो है ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है। इसको हिंदी में आज्ञा नाम से जानते हैं, और ये जो है एक परजीवी किस्म का पौधा है यानी पैरासाइट है, जो कि तंबाकू और सरसों के अलावा टमाटर व जीरे की फसल को भी चौपट करता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये केवल तंबाकू ही नहीं, सरसों में भी बहुत प्रमुखता से ये पाया जाता है। इस जाति या जीनस में 200 से अधिक जो है परजीवी साक बच्ची यानी पैरासिटिक हर्बिसियस प्लांट्स आते हैं, जो समशीतोष्ण उत्तरी गोलार्ध के मूल पौधे हैं। आम भाषा में देव कालुंकी मूला भी इसको कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में, और ये पौधा खेत में उग जाने से उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। अगला प्रश्न, गोल्डन राइस या गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है किसका? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछा भी जा चुका है और इसके बारे में आपको जानकारी भी होनी चाहिए। तो गोल्डन राइस या गोल्डन चावल जो है, इसमें विटामिन ए की अच्छी मात्रा होती है, इसका ये प्रचुरतम स्रोत है। ये एक पारंपरिक चावल है जो बीटा कैरोटीन यानी विटामिन ए के उच्च स्तर के लिए अनुवांशिक रूप से इंजीनियरिंग किया गया है, यानी ये जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग करके गोल्डन राइस को बनाया गया था। इसको बनाने वाले वैज्ञानिकों ने मक्का से बीटी कैरोटीन वाले जीन को निकालकर चावल के पौधों में संश्लेषित किया था। ऐसा करने से चावल के पौधे ने नारंगी रंग का जो है पिगमेंट पैदा शुरू करना शुरू कर दिया था। 1982 में रॉकफेलर फाउंडेशन की पहल पर गोल्डन राइस की खोज हुई थी। ये सफलता 1999 में मिली, जब दो बायोलॉजिस्ट स्विट्जरलैंड में इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट साइंसेज के इंगा पेट्रिकस और जर्मनी के फ्रीबर्ग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पीटर बेयर ने सफलतापूर्वक गोल्डन राइस का विकास किया था। 2004 में लुइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर सेंटर द्वारा चावल की खेती का पहला क्षेत्र परीक्षण किया गया था। बाद में फिलीपींस और ताइवान में और बांग्लादेश के अतिरिक्त परीक्षण किए गए थे। तो ये जो है परंपरागत चावल का एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसमें जो है विटामिन ए की मात्रा जो है ज़्यादा थी। तो ऐसे देशों में जो जहाँ पर कुपोषण के कारण जो है विटामिन ए की कमी से जो है बच्चे कुपोषित होते थे, तो वहाँ उन देशों में जो है इसकी खेती पर जो है ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किसी भी शिशु का पितृत्व या पैटर्निटी स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है? यानी अगर किसी के फादर का पता लगाना है तो किस जेनेटिक टेक्निक से जो है पता लगाया जा सकता है कि उसका फादर कौन है? प्रोटीन का विश्लेषण करके, क्रोमोसोम की गणना करके, डीएनए का मात्रात्मक विश्लेषण करके, या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा पैटर्निटी को डिसाइड किया जा सकता है।
और इसमें जो है हमारे इंडिया के साइंटिस्ट हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, इनका नाम आपको जरूर याद रखना चाहिए। तो BHU के पूर्व कुलपति पद्मश्री डॉक्टर लालजी सिंह को भारत में DNA फिंगर प्रिंटिंग का प्रवर्तक भी कहा जाता है। उन्होंने कुछ प्रसिद्ध मामलों में DNA विश्लेषण के जरिए हल करने का जो है शुरुआत की थी। 1991 में उन्होंने विवादित प्रत्युत को सुलझाने के लिए भारतीय न्यायालय में पहला DNA फिंगर प्रिंटिंग आधारित सबूत भी पेश किया था। इसके बाद से सैकड़ों मामलों के समाधान में DNA फिंगर प्रिंटिंग के आधार पर जो है निर्णय हुए हैं, जैसे कि राजीव गांधी का हत्याकांड, नैना साहनी तंदूर हत्याकांड जैसे कई महत्वपूर्ण मामलों में जो है इस DNA फिंगर प्रिंटिंग से जो है पितृत्व के विवाद को सुलझाया गया है। और जो है पितृत्व के विवाद ही नहीं, इससे जो है अपराधियों की भी पहचान की जा सकती है। तो उनके प्रयास भारत की न्याय व्यवस्था में DNA फिंगर प्रिंटिंग को सबूत के रूप में स्थापित करने में काफ़ी मददगार भी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बैक्टीरियोफेज जिसको हम इंग्लिश में हिंदी में जीवाणु भोजी कहते हैं, इसके संबंध में कौन से कथन यहाँ पर सही हैं ये आपको बताने हैं। जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं, वायरस होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। तो बिल्कुल सही कथन है, जो बैक्टीरियोफेज होता है ये क्या होता है, एक तरह का वायरस होता है। और इसकी खासियत क्या है कि ये जो है बैक्टीरिया को किल करता है, बैक्टीरिया को खाता है। जीवाणु भोजी अनुवांशिक अभिगंत्री यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होते हैं, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो हमारे दोनों ही कथन यानी एक और दो दोनों ही सही हैं। एक जो बैक्टीरियोफेज होता है ये वायरस तो होता ही है और बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। वास्तव में बैक्टीरियोफेज शब्द का अर्थ ही होता है बैक्टीरिया को खाने वाला, क्योंकि बैक्टीरियोफेज अपने मेजबान कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। मेजबान कोशिकाओं का मतलब है बैक्टीरिया के अंदर घुसकर जो है उसको नष्ट कर देता है, और उसके उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसका वो उपभोग करता है। तो आप देख रहे हैं ये उसका जो है एक डायग्राम है, इस तरह से जो है बैक्टीरियोफेज दिखता है। इसका हेड जो होता है इसमें DNA होता है, फिर कॉलर होती है, सीथ होती है और बेस प्लेट्स होते हैं और ट्रेल फाइबर्स होते हैं। और इसका जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, क्योंकि अगर किसी भी बैक्टीरिया के अंदर जो है DNA का कोई सीक्वेंस, कोई टुकड़ा बदलना होता है तो वो इसके अंदर यानी बैक्टीरियोफेज के अंदर इंड्यूस करा दिया जाता है, और उसके बाद जो है वो जाकर अंदर जो है इसको बदल देता है। तो इस तरह से कई सारे रिसर्चेज हुई हैं जिसमें इसका उपयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं, एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तीन परिस्थितियां सबसे महत्वपूर्ण हैं। बहुत ध्यान से सोचिएगा, ये क्वेश्चन जो है अक्सर लोग गलत कर देते हैं। हमको तीन सबसे उपयुक्त, सबसे ज़्यादा इसेंशियल परिस्थितियां देखनी है जो किसी बीज के अंकुरण के लिए, ना कि पौधे की वृद्धि के लिए। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पौधे की वृद्धि के लिए अलग कंडीशंस होती हैं और एक बीज के अंकुरण के लिए अलग जो है रिक्वायरमेंट होती है। तो एक बीज के अंकुरण के लिए पानी चाहिए, बिल्कुल सही है, पानी हमारा दो ऑप्शन में दिया है। उचित तापमान चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए, ये तीनों चीज़ें चाहिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी बीज के जर्मिनेशन के लिए, सीड जर्मिनेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं, हींग कैसे प्राप्त की जाती है, हींग कैसे प्राप्त की जाती है। तो हींग जो है तने के स्राव से, जो लेटेक्स निकलता है उससे, दूधिया पदार्थ निकलता है स्टेम से, उससे भी प्राप्त की जाती है, और जड़ों के जो है निष्कर्षण से भी प्राप्त की जाती है, उसके भी एक्सट्रैक्ट से प्राप्त की जाती है। तो जो इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों ही है। आयोग ने जो है इसका ए और बी बाद में उत्तर दिया था, पहले जो है इस प्रश्न पर विवाद भी हुआ था। तो हींग जिसको फेरोला एस्टोफोर्टिडा कहते हैं, ये जो है बारहमासी साख है। इस पौधे की विभिन्न वर्गों में भूमिगत प्रगंधों और ऊपरी जड़ों से रिसने वाले शुष्क वानस्पतिक दूध, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में लेटेक्स कहते हैं, इसको सुखाने से हींग प्राप्त होता है। हींग के पौधे के निचले भाग मिट्टी के समीप प्रकंदों और ऊपरी जड़ों से गोंद जैसा वानस्पतिक दूध यानी लेटेक्स निकलता है, जिसे एकत्रित कर सुखा कर उसका पाउडर तैयार कर लिया जाता है। फिर उसमें कुछ चीज़ें मिलाकर जैसे कि स्टार्च व गोंद मिलाकर जो है उसको फाइनली हींग के रूप में मार्केट में बेचा जाता है। अगला प्रश्न, करनाल बंट एक बीमारी है पौधों की, किस में होती है ये आपको बताना है। निश्चित रूप से काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा भी गया है।
तो करनाल बंट जो होता है वो होता है गेहूं की फसल में, वीट में जो है करनाल बंट रोग होता है, और इसको जो है टिलेसिया इंडिका नामक जो है एक फंजाई होती है जिसको नेवोसिया इंडिका भी कहते हैं, उसके द्वारा जो है करनाल बंट रोग होता है, इसको आंशिक बंट नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए इस तरह से गेहूं की जो बीज होते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं इसके कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, पोषक पदार्थ दिए हुए हैं और उनके कार्य दिए हुए हैं, खासकर जो है ये पौधों के संबंध में दिया हुआ है कि उनके कार्य क्या हैं। तो पहला आपके सामने नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन जो है क्या कार्य करता है, वृद्धि एवं विकास, बिल्कुल ठीक है। फास्फोरस जड़ों का विकास करता है, पोटेशियम जो है स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करता है, और बोरान से जो है रोग प्रतिरोधकता होती है। तो चारों ही ऑप्शन इस प्रश्न में सही दिए हुए थे, इसलिए ये प्रश्न जो पूछा गया है कि इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है, तो ये प्रश्न जो है गलत पूछा गया था। इसमें सभी जो है मैच हैं, कोई भी जो है इसमें ऐसा नहीं है जो कि अनमैच्ड है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम पौधों में जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं या माइक्रो एलिमेंट्स हैं। नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तथा पौधों का विकास और वृद्धि रुक जाती है। पौधे फास्फोरस को प्रायः फॉस्फेट आयन के रूप में ग्रहण करते हैं, ये जड़ों के विकास के लिए आवश्यक होता है। पोटेशियम की स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बोरान जो होता है पौधों का एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, इसकी कमी से चुकंदर में हार्ट रॉट नामक तथा सेब में इंटरनल कॉर्क या आंतरिक कार्क नामक रोग हो जाता है। तो ये भी कभी पूछा जा सकता है आपसे। इसकी कमी से जो लेगुमिनेसी कुल के पौधे होते हैं, लेगुमिनेसी का मतलब दाल, दाल वाले जो है पौधे होते हैं, इनकी पौधों की जड़ में जो गुटिकाएँ होती हैं, रूट नोड्यूल्स होते हैं, वो बन नहीं पाते हैं। ऐसा पाया गया है कि बोरान कई रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में सहायक होता है। इससे ये स्पष्ट है कि जितने भी विकल्प दिए गए हैं सभी सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। अमरबेल एक तना परजीवी होता है, स्टेम पैरासाइट होता है, बिल्कुल ठीक है। चंदन कैसा होता है, रूट पैरासाइट होता है, ये भी ठीक है। आर्किड का पौधा कैसा होता है, अधिपादप होता है, एपीफाइट होता है, यानी दूसरे पौधों के छाल पर जो है उगता है, ये भी ठीक है। घटपर्णी जलोद्भिद होता है, ये गलत है। घटपर्णी या जो है जिसको हम पिचर प्लांट होता कहते हैं, ये कैसा होता है, ये कीट बच्छी पौधा होता है, इसको ये नेपेंथेंसी कुल का होता है, और मुख्यतः जो है हर्ब होता है, ना कि ये जो है जलोद्भिद होता है, ये साग होता है, और दलदली और नम स्थानों पर उगता है। ऐसा क्यों, जहाँ पर जो है नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पर जो है ये उगते हैं, और इसी कारण जो है ये शिकार करते हैं, कीटों का शिकार करते हैं। इसमें जो है घड़े के आकार का इसका इस तरह से पाया जाता है, तो जब कोई कीड़ा इसमें आके बैठता है तो इसकी ढक्कन जो उसके बाद बंद हो जाती है, और इसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो नाइट्रोजन को प्राप्त करने के लिए उस कीड़े को ट्रैप करके उसको गलाकर खा लेते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो है उत्तर हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, ट्राइकस्पिड हर्ड यानी त्रिस्तरीय या त्रिकोष्ठीय हृदय, जैसे आप जानते हैं कि स्तनधारियों के बारे में आप जानते हैं कि हम लोगों में फोर चैम्बर्ड हर्ट पाया जाता है, तो ट्राइकस्पिड यानी थ्री चैम्बर्ड हर्ट किसमें पाया जाता है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो ही गया, ए ऑप्शन। अब आपको बताना है कि किसमें जो है ट्राइकस्पिड हर्ट पाया जाता है, तो पाया जाता है एम्फीबियंस में, उभयचरों में। बाकी सब में भी जान लेते हैं, उभयचरों में तो ट्राइकस्पिड या त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, और पक्षी और स्तनधारियों में जो है फोर चैम्बर्ड हर्ट पाया जाता है। मछलियों में जो है जो हर्ट होता है वो टू चैम्बर्ड होता है, जिसमें केवल अशुद्ध रक्त आता है जो शुद्धिकरण के लिए क्लोमे में जाकर सीधे वहाँ से विभिन्न अंगों में चला जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ये कुछ जो है पदार्थ दिए हुए हैं किस काम में आते हैं ये आपको बताना है, कौन सा युग्म इसमें से सुमेलित नहीं है ये देखना है। क्लोरोमाइसेटिन ये क्या होता है, टाइफाइड नासी होता है, बिल्कुल ठीक है, टाइफाइड के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है।
इसके बाद जो है क्रिस्टल वायरल, ये जो है प्रतिरोधी होता है। क्विनीन का उपयोग जो है मलेरिया के लिए किया जाता है, मलेरिया बीमारी में जो है इसको इसका प्रयोग किया जाता है। एस्पिरिन जो है निश्चेतक नहीं होता, निश्चेतक का मतलब आप जानते हैं एनेस्थीसिया, जो बेहोश करने के लिए दवाई दी जाती है, तो ये एक निश्चेतक नहीं होता। ये क्या होता है, ये एक दर्द निवारक होता है। तो एस्पिरिन, जिसे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं, एक सैलिसिलेट औषधि है जो हल्के दर्द में या दर्द निवारक के रूप में या जो है बुखार कम करने के लिए ज्वर शामक के रूप में दिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मकड़ियों के द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है। रेशम कई स्रोतों से प्राप्त होता है, तो जो मकड़ियाँ होती हैं उनसे कौन सा रेशम हमको मिलता है। चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, तो मकड़ियों से जो उत्पादित रेशम होता है वो गौरसिम रेशम कहलाता है। सी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न, सी ग्रास जिसको हम समुद्री घास कहते हैं, निम्नलिखित तत्व में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो सी ग्रासेज जो होते हैं उनसे जो है मुख्य रूप से आयोडीन प्राप्त करते हैं, और एक जो काफ़ी प्रसिद्ध नाम है लेमिनेरिया, लेमिनेरिया जो है, इसके अलावा और भी जो है सी ग्रासेज होते हैं जिनसे आयोडीन जो है पर्याप्त मात्रा में प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, जोनास सॉल्क, निश्चित रूप से आपने इनका नाम सुना होगा, इनके द्वारा खोज की गई थी, किस खोज के लिए जाने जाते हैं ये आपको बताना है। चेचक का टीका, हैजे का टीका, पोलियो का टीका, या इनमें से कोई नहीं। तो जोनास सॉल्क जो है पोलियो के टीके को विकसित करने के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है। आप देखते हैं कि कहीं कहीं पर सेब के ऊपर आप जो है पतली परत मोम की चढ़ा दी जाती है, या कुछ सब्जियों पर, खासकर ऐसी जो है सब्जियां या फल जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो उनका जो है किस वजह से उन पे जो है मोम की एक परत चढ़ाई जाती है। तो उस कारण स्पष्ट है, उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए, जिससे उनको ज़्यादा समय तक स्टोर किया जा सके बिना ख़राब हुए, क्योंकि तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो है कई कई दिन लग जाते हैं, तो उस बीच ख़राब ना हो जाए इसलिए जो है मोम की परत चढ़ाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ जिनके लिए आवश्यक है। तो भारत में भी जो है हरित क्रांति हो चुकी है, आप जानते हैं 1965 के अराउंड जो है, तो इसमें क्या आवश्यक होता है हरित क्रांति में। सबसे ज़्यादा उर्वरक का और अधिक पानी का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो इस यही एक कारण भी है कि जिन क्षेत्रों में हरित क्रांति, खासकर पंजाब हरियाणा और उत्तरी उत्तर प्रदेश में जो है इसका ज़्यादा प्रभाव हुआ था, उसकी वजह से वहाँ पर आज ज़मीन जो है बंजर होना शुरू हो गई है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, कस्कुटा जिसको अमरबेल कहते हैं, ये परजीवी आवृतबीजी एंजियोस्पर्म का एक उदाहरण है। हमको बताना है कि कथन सही है या नहीं है। तो कथन तो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद, ये पोषी पौधों की पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता है, तो ये जो है कारण इसका गलत है, क्योंकि ये क्या करता है, ये पत्तियों से नहीं करता है, ये जो है अमरबेल जो है एक स्टेम पैरासाइट होता है, ये जो है उसके तने पर लिपट के बढ़ता है और उसी से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा पदार्थ हर्बिसाइड है, एक शाकनाशी है। तो एक जो है शाकनाशी पदार्थ इसमें से देखना है आपको कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्यूटा क्लोर, काफ़ी जो है फेमस है, बहुत ज़्यादा उपयोग भी किया जाता है खेती में हर्बिसाइड्स के रूप में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है। अब देखिए, इसमें से सही सुमेलित जो नहीं है वो आपको बताना है। ईस्ट, ईस्ट जो है फर्मेंटेशन या किण्वन की प्रक्रिया में यूज़ होता है, बिल्कुल ठीक है। कैसीन क्या है, ये दूध से मिलने वाली एक प्रोटीन है, दूध में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। एलोवेरा एक एनजियो स्पर्म है, इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है, ये भी ठीक है। घटपर्णी, अभी पीछे भी हमने इसकी बात की थी, नेफेंथिस या जिसको पिचर प्लांट कहते हैं, ये एक परजीवी आवृतबीजी है, ऐसा नहीं है।
घटपर्णी क्या है? घटपर्णी जो है एक मांसाहारी कीटबच्छी पौधा होता है जो अल्प खनिज या अम्लीय मृदा में उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। इसके बारे में भी हमने पीछे डिस्कस किया है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को अपना आहार बनाते हैं, और जैसे ही कीट इसमें फंस जाता है जाकर जो है इनका जो ये लिड होती है, ढक्कन होता है, ये बंद हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कुछ फसलें दी हैं, उनकी प्रजातियाँ दी हैं। तो सरसों की एक प्रजाति होती है वरुणा, बिल्कुल ठीक है। मूंगफली की प्रजाति कौशल है, ये भी ठीक है। मटर की एक प्रजाति सपना भी ठीक है। अलसी की प्रजाति सूर्या नहीं होती है। सूर्या एक से अधिक जो है फसलों की प्रजाति है, जैसे कि आम, पपीता, आलू, इनमें सभी में सूर्या प्रजाति पाई जाती है। अलसी जिसको हम लिनसीड कहते हैं, इसकी ये प्रजाति नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग होते हैं? तो बायो फर्टिलाइजर के रूप में इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है? साइनो बैक्टीरिया, जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, उसका प्रयोग जो है बायो फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, प्लांट हार्मोन दिए हैं, उनके कार्य दिए हैं, इसको हमको सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। ऑक्सिन्स, तो ऑक्सिन क्या करता है? ऑक्सिन जो है शिखर प्रधानता, या जिसको हम एपिकल डोमिनेंस कहते हैं, उसके लिए जो है यूज होता है। इसके बाद जो है जिब्रेलिन की बात करेंगे, तो ये जो है सेल ग्रोथ को या कोशिका वृद्धि को प्रमोट करता है। साइटोकाइनिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये सेल डिवीज़न या कोशिका विभाजन को प्रमोट करता है। और एब्सिसिक एसिड जो होता है ये वृद्धि अवरोधक होता है। तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो देखते हैं कौन कौन से सही सुमेलित हैं। चुकंदर से क्या चीनी प्राप्त होती है? बिल्कुल प्राप्त होती है, इसमें पाया जाता है। शहद से ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही मिलते हैं, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई कमी नहीं है। कपास जो है एक फाइबर होता ही है, तो इसमें सेलुलोज पाया जाता है, ये भी ठीक है। और दूध दूध में जो है लैक्टोज जो है पाया जाता है, ये भी ठीक है। तो ये जो है सभी एक तरह से शुगर के या कार्बोहाइड्रेट के प्रकार थे जो सुमेलित हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है सही है, सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर यानी फास्टिंग करने पर लीवर पर हमारे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका जो है सही उत्तर क्या होगा, ध्यान से इसको समझिएगा। अगर कोई व्यक्ति 10 दिन से ज़्यादा लगातार जो है फास्टिंग करता है, उपवास करता है, तो उस क्या होगा, लीवर में जो ग्लूकोज जमा होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, उसका जो है स्तर कम हो जाएगा, ग्लाइकोजन टूट कूट कर जो है वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। अगला प्रश्न, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके कारण होता है? यानी उसमें कौन सा ऐसा पदार्थ उपलब्ध होता है, उपस्थित होता है, जिसके कारण उसका औषधीय महत्व होता है? तो तुलसी के पौधे में फिनॉल और फ्लेवोनाइड्स पाए जाते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो एसिड्स का स्रोत है? इस प्रश्न पर भी थोड़ा सा विवाद हुआ था, लेकिन फाइनली जो उत्तर आयोग के द्वारा दिया गया है कि जो अंडा होता है इसमें जो है सभी आवश्यक जितने भी इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा तत्व सरसों के तेल में की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? तो सरसों में तेल जो है ज़्यादा हो, इसके लिए फसल को क्या प्राप्त होना चाहिए? सल्फर। अगर सल्फर की आपूर्ति जो है सरसों की फसल में ज़्यादा है, तो उसमें जो है उसके बीज में तेल की मात्रा बढ़ेगी। तो मित्रों, इस तरह से हमने बायोलॉजी के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।